जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के 2018-19 और जो 23 में आई है इसका कट ऑफ कितना बन सकता है। पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ कितना गया था, फाइनल मेरिट तक बताएंगे पिछला वाला, और इस बार जो जा सकता है एग्जैक्ट हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसी की तुलना में करके दोस्तों बताएंगे। आप सब लोग दोस्तों भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, आने वाली हर वीडियो आपको दोस्तों अपडेटेड मिलती रहेगी। दोस्तों इसमें जैसे जानते हैं 18 में भर्ती इसमें कुल पद आई थी 41,520, पोस्ट टोटल थी, और इसमें अगर देखा जाए कुल आवेदन 23,76,000 समथिंग, वही मान लेंगे 23,50,000 इसमें आवेदन होते हैं। आप सभी लोग जैसे जानते हैं इसमें उपस्थित 17,00,000, और इसमें आप सभी लोग जैसे जानते हैं इस यहाँ पे देख पा रहे हैं फिजिकल के लिए आप सबको जैसे जानते हैं इसमें 1,38,000 को, यही समथिंग मान लेते हैं 1,50,000 को। 2018 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों आप जैसे जानते हैं कंपटीशन इसमें फिजिकल के लिए एक बच्चे के लिए 16, मतलब अप्रोक्स जैसे आप सभी लोग मान सकते हैं एक बच्चे के लिए 16, और इसमें अगर फाइनल मेरिट की बात देखा जाए तो इसमें आप सभी लोग जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 41 बच्चे के लिए एक फैट था उसमें, और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं PST का कट ऑफ, मतलब जनरल का 225 गया था, यहाँ पे आपको दो कट ऑफ मिला था बनने के लिए, दो बार जैसे कट ऑफ बनाया था दो बार बच्चों को बुलाया गया था। यहाँ पे देख लीजिए एक बार 225 और दूसरी बार 215, और फीमेल की बात कर लीजिए तो यहाँ पे 199 या 181, यहाँ OBC 216 और 204, और SC 187 से 172, और SC 153 से 135। यहाँ अगर फीमेल की बात देखा जाए तो साइड में देख जाए इतना गया था, यहाँ फाइनल कट ऑफ देखा जाए तो जनरल की 216, OBC 211, SC 182 और ST 182 किया था, SC और ST बराबर ही कटाप था, और फीमेल की बात देखा जाए तो यहीं पर 149 किया था, और OBC की 197 और SC 145 और ST 191। आप सभी लोग जैसे जानते हैं लड़कियों की यहाँ कटाप बहुत कम गई थी, और इस बार जो 2024 में है इसमें भी कम जाएगा लड़कियों का, और लड़कों का आप देख ही सकते हैं यहाँ पे वैकेंसियाँ ज़्यादा है 2024 में। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2018 में वैकेंसियाँ 41,520 पद टोटल थे, तो यहाँ पे अप्रोक्स इतना ही कट ऑफ गया था PST के लिए। जैसे आप मान लीजिए एक सीट पे 41 बच्चे थे फाइनल कट ऑफ के, और जो कंपटीशन देख सकते हैं जैसे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 2018-20 वैकेंसी कुल 50,500 और इसमें कुल आवेदन किए गए थे 23,00,000, और उपस्थित इसमें 19,00,000 थे अप्रोक्स। और दोस्तों इसमें जान सकते हैं आप PET के लिए इतना बच्चे को बुलाया गया था 12/3/26, और PST
सिक्योरिटी के लिए आप सभी लोग जैसे जानते हैं, एक सीट पे 15 बच्चे थे और फाइनल जो कट ऑफ थी एक सीट के लिए 38 बच्चे पूरे थे। आप सभी लोग जैसे जानते हैं 4,569 पद थे, 19 में जो बने सभी जाके हुई थी फाइनल, और इसमें देख सकते हैं मेल के लिए 185 कट ऑफ, PST के लिए, और OBC 172, SC 145 और SC 114, और लड़कियों को जैसे यहाँ पे उनको कोई कटाव यहाँ पे नहीं लगाया गया था, मतलब जितना अगर उनको आवश्यकता थी उतना ही बुला लिया गया था। और यहाँ पे अगर जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनल कटाव, अगर देखा जाए तो जनरल की यहाँ पे 180 और OBC की 176, SC की 149 और ST की 120, और फीमेल के लिए देखा जाए तो यहीं जनरल की 142 और OBC की 167 और SC की 132, ST की 94। तो आप सभी लोग जैसे दोस्तों जानते होंगे 19 की वैकेंसियाँ थी, जो 20 में जाकर 21 का रिजल्ट फाइनल हुआ था। तो आप सभी लोग जैसे जानते होंगे यहाँ पूरा एकदम एक सीट के लिए यहाँ पे जैसे कंपटीशन की बात देखा जाए तो 15 सीट थी और फाइनल में 38 सीटें। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे दोस्तों 49,568 पद पूरे थे और यहाँ कुल आवेदन किए गए थे 23 लाख, और उपस्थित थे जो 19 लाख बच्चे इसमें इंजाम जो दिए थे। तो आप सभी लोग जैसे हम निकाले डाटा 18 की और 19 की वैकेंसियाँ 41,000 और 49,000 की, और दोस्तों फिर इसके बाद देखेंगे हम जो 23 में आई है वैकेंसियाँ उसका कटाव कितना बन सकता है एनालिसिस करके। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वही कि अगर समथिंग आपका अगर स्कोर बन रहा है तो आप रनिंग की तैयारी ज़रूर करें। नहीं दोस्तों अगर जल्द ही बुला लिया जाएगा, जैसे रिजल्ट जारी किया जाए, जैसे उसमें होता है ना, तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद आपको रनिंग वगैरह जो कराई जाती है, फिजिकल मेडिकल कराया जाता है। तो दोस्तों आपका अगर 100 प्लस उसके ऊपर अगर बन रहा OBC या जनरल हो, जनरल 110-115 100 के ऊपर एप्रोक्स बन रहा है, तो आप दोस्तों रनिंग की तैयारी ज़रूर करें ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। नहीं तो आपका जैसे अगर तुरंत बुला लिया जाएगा तो आपका रनिंग में फाइनल आप नहीं कर पाओगे, आप रनिंग से बाहर हो जाओगे। दोस्तों आप रनिंग ज़रूर करें अगर 100 प्लस है या उसके ऊपर है, जनरल या OBC की, अगर SC ST की और कम है तो वो भी रनिंग की तैयारी ज़रूर करें। और दोस्तों जैसे इसमें देख सकते हैं 2324 की भर्तियां, कुल पद इसमें 60,244 पद है, और इसमें कुल अगर आवेदन की बात दोस्तों देखा जाए तो इसमें 48 लाख कुल बच्चे आवेदन किए हैं, और इसमें देखा जाए उपस्थित तो इसमें 33,60,000 इसमें उपस्थित हैं और बाकी अनुपस्थित हैं। तो दोस्तों आप जैसे पेट यहाँ PET आप इतने बच्चे 1.5 लाख की समथिंग बुलाए जा सकते हैं, और इसमें आप सभी लोग जैसे जानते हैं PT के लिए एक सीट पे 22 बच्चे हैं, और फाइनल अगर रिजल्ट की उसके बाद फाइनल की बात देखा जाए तो एक सीट पे 55 बच्चे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कंपटीशन कितना है, आप घबराइएगा नहीं, अगर दोस्तों 100 प्लस है तो आप और इसमें अगर कटाव देखा जाए तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं दोस्तों, यही कि समथिंग बता सकते हैं। जनरल की देखा जाए अगर तो दोस्तों अगर आपकी 210 नंबर उसके प्लस बन रहे हैं
तो आप रनिंग की तैयारी करें। ओबीसी अगर 200 प्लस नंबर बंदे हैं तो दोस्तों आप रनिंग की तैयारी ज़रूर करें। EWS की बात किया जाए तो 200 प्लस अगर बंदे हैं तो रनिंग तैयारी करें। और SC की बात देखा जाए 166 और ST की बात देखा जाए तो 130 रन, 130 अगर आपका स्कोर बन रहा है प्लस में समथिंग या इसके बन रहा है तो आप दोस्तों रनिंग जरूर करें। फीमेल की बात देखा जाए, अगर यही जनरल की बात देखें तो 180 और OBC की अगर देखा जाए तो 180 के लमसम अगर आपका बन रहा है तो आप रनिंग ज़रूर करें। AWS 170 प्लस में वही समथिंग मान सकते हैं 180 के, तो आप रनिंग की तैयारी ज़रूर करें। फीमेल की बात दोस्तों कर रहे हैं, 80 की 140 और ST की 100 प्लस बन रहा है स्कोर, तो दोस्तों आप रनिंग की तैयारी ज़रूर करें। प्लस में दोस्तों हम बता रहे हैं, प्लस में आपका स्कोर अगर बन रहा है तो रनिंग की तैयारी करें मॉर्निंग में जाके अभी, और आप 2-3 घंटा पढ़ाई के देंगे ताकि नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है ये लगभग ही इसको कंप्लीट जब किया जाएगा तो उसके बाद वैकेंसी UPSI कांस्टेबल और उसमें तमाम वैकेंसियाँ हैं मिलेगा आपको देखने के लिए, तो आप अपनी तैयारी रखें और रनिंग भी रखें दोस्तों। और दोस्तों इसमें आप सभी लोग जैसे अगर इसमें अगर एक आध दो नंबर से रह जाता है दोस्तों, जहाँ तक हो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, अगर एक आध दो नंबर से रह जाता है तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई भी चालू रखें, और जैसे इस वैकेंसी नेक्स्ट कंप्लीट होगी और दूसरी वैकेंसी आपको देखने के मिलेगी तो आप अपनी तैयारी नहीं छोड़ना है दोस्तों। नहीं तो आपको अगर इसमें मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी, अगर आप मान लीजिए आपका पेपर सही नहीं गया है तो आप लोग तैयारी करें, और इसमें समथिंग अगर बन रहा है 100 के प्लस या 90 बन रहा है तो आप चाहे EWS का हो चाहे OBC और जनरल का, अगर 100 आपको बन रहा है तो आप ज़रूर रनिंग करें दोस्तों। आपको रनिंग के साथ अगर पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई भी करें, ऐसा कि नहीं आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग भी और पढ़ाई भी करें ताकि आपका सिलेक्शन इसमें भी दोस्तों हो अगली आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी UPSI में सिलेक्शन जाए।